हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो लॉन्ग पीरियड के गोल्स होते हैं और शॉर्ट पीरियड के गोल्स होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं इंडिया के अंदर। यानी इंडिया की प्लानिंग का जो पार्ट होते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स वो होते क्या हैं एक्चुअल में और किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के ये शुरू करते हैं। लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। फर्स्ट कहते हैं, लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमन टू ऑल द 5 ईयर प्लान्स एंड आर देयरफॉर जनरली स्टडीड एज कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की, तो हमने ना पहले भी बात की थी कि प्लानिंग कमीशन किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर सेटअप और कैसे कैसे अभी प्लानिंग की जाती है इंडिया के अंदर, पहले नहीं होती थी, लेकिन अब जो भी काम होता है तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलता है। तो सबसे पहले बात आ रही है कि लॉन्ग पीरियड के गोल्स क्या होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो लॉन्ग पीरियड के गोल होते हैं ना वो 5 ईयर प्लान के लिए कॉमन होते हैं। यानी कि 5 साल का जो प्लान बनने वाला है उसके अंदर वो कॉमन रहेंगे। जैसे GDP ग्रोथ है तो जो भी होगा वो कॉमन रहेगा, यानी कि उनके अंदर कुछ चेंजेस नहीं किया जाएगा। कॉमन गोल होगा 5 ईयर प्लानिंग के, 5 ईयर प्लान्स के लिए, और प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो। फिर कहते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक। जो शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं वो प्लान स्पेसिफिक होते हैं एंड आर जनरली स्टडीज एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान। और उनको क्या मतलब, जनरली हम कैसे स्टडी करते हैं उनको, प्लान के ऑब्जेक्टिव्स के रूप में। डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटीज ईच प्लान इज डिजाइंड एज अ डिस्टिंक्ट प्लान विद अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। यानी कि हर एक प्लान का एक अलग से ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए जाते हैं, उसका अलग से होता है। यानी कि जैसे ये बात कहना चाह रहे हैं, जैसे जो लॉन्ग पीरियड के गोल्स होंगे ना उसके अंदर वो 5 ईयर प्लान के लिए, यानी हर 5 ईयर प्लान में वही जो भी मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेम रहने वाले हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड के जो गोल्स होंगे वो उन लॉन्ग टर्म के गोल्स को अचीव करने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि अगर उनके अंदर चेंजेस की ज़रूरत होगी तो वो चेंज करेंगे हर बार। यानी कि हर बार हम उस लॉन्ग पीरियड के गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी प्लानिंग करेंगे वो अपने तरीके से करेंगे, यानी कि वो अलग हो सकती है हर बार अगर हम उसे चेंज करना चाहें तो। लेकिन जो 5 ईयर प्लान्स रहने वाले हैं वो लॉन्ग पीरियड के अंदर होते हैं और वो सेम रहते हैं, कॉमन रहते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स 5 ईयर प्लान के लिए जो भी बनाए जाते हैं। कहते हैं इट मस्ट हाउएवर बी मेड एम्प्लाई क्लियर दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान रेफरिंग टू स्पेसिफिक शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच प्लान। कहते हैं ये जरूरी है यहाँ पे ये क्लियर करना कि जो प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसका मतलब है शॉर्ट पीरियड के ऑब्जेक्टिव्स से। यानी कि हर एक प्लान का कुछ शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स होता है एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग रेफरिंग टू लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स की बात करें तो वो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स से है, और अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग की बात करें तो वो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड है। आर नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट बट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो एक ये कहना चाह रहा है जो प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स है प्लानिंग के वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ना कि कॉन्ट्राडिक्ट। यानी कि एक दूसरे को वो काटते नहीं है, एक दूसरे का वो अपोज नहीं कर रहे, वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। यानी कि वो एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। ये बात नहीं कह सकते हम कि एक अगर होगा तो दूसरा नहीं पॉसिबल हो सकता, उल्टा हम ये बात बोलेंगे कि दोनों के लिए दोनों का होना ज़रूरी है। यानी अगर हम चाहते हैं हमारे लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव अचीव हों तो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसे ही शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स का कोई वजूद ही नहीं है अगर लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे तो। तो हम ये बात कह सकते हैं कि दोनों ही शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, ना कि कॉन्ट्राडिक्ट है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब कहते हैं ट्रूली स्पीकिंग शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू प्लान स्ट्रेटेजी। कहता अगर हम सच बोलें तो जो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो प्लान टू प्लान स्ट्रेटजी होते हैं विद अ व्यू टू अचीविंग द लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। और किस लिए की जाती है ऐसे प्लान टू प्लान स्ट्रेटजी? ताकि जो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग के वो अचीव किए जा सकें, और द कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, और जो 5 ईयर प्लान के कॉमन गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। इस तरीके से बनाए जाते हैं हमारे शॉर्ट पीरियड प्लान। यानी कि अगर हम नाम से भी इनको क्लियर करने की कोशिश करें तो क्या बात क्लियर हो रही है यहाँ पे? एक बार कह रहे हैं लॉन्ग पीरियड के लिए प्लानिंग की जा रही है, यानी लॉन्ग पीरियड गोल्स हैं, लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स या फिर शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जैसे जो लॉन्ग पीरियड के गोल्स हमने सेटअप किए, जैसे कि हमने देखा कि फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, GDP ग्रोथ ले लिया हमने, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ सफिशियंसी है, तो इस तरीके से हमने पहले लॉन्ग टर्म गोल्स सेटअप कर दिए। तो जैसे उन लॉन्ग टर्म गोल्स को सेटअप किया, अब उनको किस तरीके से हम अचीव करेंगे
तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि 5 ईयर प्लान के लिए हमने बता दिया कि एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आनी चाहिए, जैसे इंडिया की बात करें, हम इंडिया के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आनी चाहिए, ठीक है, 5 साल के अंदर अंदर। तो कहते हैं अब ये बात तो बोल दी गई कि 5 साल के अंदर अंदर आनी चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट, वो किस तरीके से आएगी। अब 5 साल का तो टारगेट ये है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आनी चाहिए। अब शॉर्ट टर्म प्लान हम इस तरीके से बनाएंगे ना कि क्या हम क्या करें, यानी कैसे कंपेनियन चलाएं, या फिर हम किस तरीके से ये ऐसा करें कि जिस तरीके से जो है सिचुएशन हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की आ सके, कैसे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, किस तरीके से लोगों को बताएं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं, यानी उनको अवेयर करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेल कराएं कि आपको जॉब्स मिल रही हैं तो आप इनको लो, ठीक है, फ़ायदा लो, या फिर जॉब्स नई नई वैकेंसीज निकालें। तो वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा, वो ईयर टू ईयर कुछ गोल्स बनाने पड़ेंगे जो हमारे किसके अंदर आएंगे, शॉर्ट पीरियड गोल्स के अंदर आएंगे, यानी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर आएगा। जैसे हम 1 साल के लिए करें कि 1 साल के अंदर हम इतना कर देंगे, ठीक है, अगले साल में नेक्स्ट ईयर हमने इतना कंप्लीट करना अपना टारगेट। तो इस तरीके से जब हम टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे तो वो शॉर्ट शॉर्ट पीरियड में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यानी प्लान टू प्लान स्ट्रेटजी होगी हमारी, और तब जाके हमारा जो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स है कि हमने क्या करना, फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आना है, वो जाके कंप्लीट होगा। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स किस तरीके से अलग हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स का यही मतलब है कि जो 5 ईयर तक क्या रहने वाले हैं, सब कॉमन गोल्स होंगे, सेम गोल रहेंगे हर बार, मतलब 5 साल के अंदर हमने वही उन्हीं गोल्स को अचीव करना है। करना किस तरीके से है उनको अचीव, वो हमारा डिफरेंट होगा, और वो हमारा किस में होगा, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आएगा, यानी शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होंगे हमारे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और वो डिफर होते हैं हर बार, हम मतलब चेंजेस करते हैं उनके अंदर, हम चाहते हैं अब की बार, पिछली बार अचीव नहीं हुआ था, अब की बार इसके अंदर थोड़ा चेंजेस करके इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं, हम अपने लॉन्ग टर्म को जो गोल्स बनाए गए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से ये कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि बताया मैंने कि ये लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ना कि एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है। कहते व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स, कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, जो प्लान्स होते हैं उनके गोल क्यों होते हैं। कहते हैं विदाउट गोल्स देयर इज नो प्लानिंग, अगर आपका कोई गोल ही नहीं है, अगर आपका कोई एम ही नहीं है, तो आप प्लानिंग किस चीज़ के लिए करोगे। यानी कि अगर आप कोई, आपका ये एम ही नहीं कि आपको 12th में टॉप करना है, ठीक है, गोल ही नहीं है, तो आप प्लानिंग क्या करोगे कि पढ़ाई किस तरीके से करनी है। अच्छा चल ठीक है कि मतलब आपका जो भी कोई भी गोल है, आपको 85% मार्क्स लेने हैं, 99% मार्क्स लेने हैं, कोई गोल होगा ना, तभी तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करोगे। अगर आपका कोई ये टारगेट ही नहीं कि आपको एक दिन में कितना काम कंप्लीट करना है, तो फिर आप प्लानिंग कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे प्लानिंग, आपको कुछ पता ही नहीं है। यानी आपका जब तक गोल ही सेट नहीं होगा तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते। कहता है इनफैक्ट प्लानिंग इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेटजी दैट डिफाइंस हाउ टू एलोकेट द कंट्रीज का रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजर्स विद अ व्यू टू अचीविंग अ गिवन सेट ऑफ गोल्स। तो यही कहना चाह रहा है, कहता है इसी तरीके से हम अगर अपनी इकोनॉमी की बात करें तो उसके अंदर भी क्या होता है, प्लानिंग ही वो चीज़ है, वही एक स्ट्रेटजी बताती है हमें कि किस तरीके से हम अपनी कंट्री के स्कार रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करें ताकि अलग अलग यूजेस में हम उनको अच्छे तरीके से एलोकेट कर पाएं और साथ साथ हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें, ठीक है। यानी कंट्री के रिसोर्सेज तो कम है लेकिन हमें अलग अलग तरीके से उनको यूज़ करना है, अलग अलग जगह पर लगाना है, तो हम उसे इस तरीके से एलोकेट करने में सफल हो जाएं कि हमारे जो सेट ऑफ गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। कहता है दीज गोल्स ऑफन रिलेट टू ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस, और जो हमारे गोल्स होते हैं यानी पूरी कंट्री के जो भी ध्यान में रख के हमने गोल्स डिसाइड किए हैं, वो गोल्स जो नॉर्मली होते हैं वो ग्रोथ और सोशल जस्टिस से रिलेटेड होता है। तो ये बताया कि वाई शुड प्लान हैव गोल्स, तो प्लान्स के गोल्स क्यों होने चाहिए, यानी कि अगर हम प्लानिंग तभी कर पाएंगे ना जब हमारा गोल्स होगा, अगर गोल ही नहीं होगा तो हम प्लानिंग नहीं कर सकते। तो प्लानिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आपका पहले कोई गोल हो, आपका कोई टारगेट हो, तभी आप उससे रिलेटेड प्लानिंग करेंगे, वरना आप कैसे करोगे, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये लॉन्ग पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कौन से टाइप के होते हैं, यानी कौन से हैं इंडिया के अंदर, हम उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, शॉर्ट पीरियड गोल्स के भी बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।